राम के सामने दंडवत होकर प्रणाम किया। दर्शन के बाद सीएम ने कहा कि जीवन धन्य हो गया, प्रभु राम का दर्शन कई जन्मों के पुण्य कर्मों का प्रसाद होता है, ऐसा लगा प्रभु श्री राम अपने रूप में साक्षात विराजमान हैं। सीएम ने कहा कि यही कामना की है कि भगवान राम सब पर कृपा करें, हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा इसी तरह लहराती रहे। भगवान रामलला के मंदिर में सीएम ने पूरी कैबिनेट के साथ राम धुन श्री राम जय जय राम जय राम भी गाया। इससे पहले अयोध्या पहुंचे सीएम और उनकी टीम का यहां जोरदार स्वागत हुआ। मंत्रियों ने जय श्री राम के नारे लगाए। कैलाश विजयवर्गीय ने बस में ही भजन गाया, राम आए हैं तो राम राज्य लाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है। आज भव्य पल है, ऐतिहासिक पल है, क्या कहेंगे? हमारे लिए सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की धरती से, मध्य प्रदेश की धरती से हम यहाँ आए हैं, तो मुझे इस बात का सौभाग्य है। अयोध्या में भगवान राम के प्रणाम करने के बाद हम सब संकल्प कर रहे हैं कि गरीब हितैषी योजनाओं को ठीक से और नीचे लागू करें। आज देश का दिल यूपी में है, तो इतना ऐतिहासिक पल और सब यही कह रहे हैं कि आज मोहन और राम का महामिलन है। हमारे यहाँ तो दर्शन बाबा महाकाल के करते थे, एक मंत्र बोलते शिवाय नमः विष्णुवे नमः शिवाय नमः विष्णुवे नमः, तो स्वाभाविक रूप से दोनों में कोई अंतर नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। अयोध्या की धरती पर आए। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं और ये ऐतिहासिक पल है। उन्होंने कहा कि इस क्षण का इंतजार तो लंबे समय से था और आखिरकार ये क्षण आ ही गया। कैमरामैन अनिल के साथ अंशिका पाठक, न्यूज 18 अयोध्या। मेरे साथ मौजूद है डिप्टी सीएम राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, जिस तरीके से आज इतने समय बाद ये ऐतिहासिक पल आया है और हर कोई इसका इंतजार कर रहा था, आपका अनुभव? नहीं, सभी लोग को इस बात की प्रसन्नता है कि वर्षों से उलझा हुआ जो मामला था, ऐसा लगता था कभी सुलझ नहीं पाएगा, लेकिन मोदी जी ने जिस कुशलता के साथ इसको सुलझा के और इतना भव्य मंदिर बनाया यहाँ पे, जिसकी लोगों को कल्पना नहीं थी, और उसमें रामलला को वहाँ पर विराजित करने का जो ऐतिहासिक काम हुआ, जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन आपने देखा होगा कि जो लोग यहाँ पर उपस्थित थे उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे खुशी के, और जो लोग बाहर पूरे देश में अपने अपने घरों में टेलीविज़न देख रहे थे वो सब भी प्रसन्नता से भरे हुए थे और भावुक थे। तो ऐसा पल हम सबको देखने को मिल रहा है, हम सबका भाग्य है, सौभाग्य है हमारी पीढ़ी को, क्योंकि हमारे पहले की पीढ़ी तो संघर्ष करते करते इस मुद्दे को लेकर इस दुनिया से ऊपर चली गई, लेकिन हम लोग भाग्यशाली हैं कि ये मिला है। और वास्तव में हमारे देश की तरक्की के लिए भी इस काम को होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि परिणाम तो कर्म के साथ साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि सही बात है, मेहनत का ही फल मिलता है और ऐसे में आज का दिन तो ऐतिहासिक होगा ही। आज कहा ये भी जा रहा है, कई लोग ये कह रहे हैं कि आज का जो दिन है वो ऐतिहासिक इसीलिए है कि आज मोहन और राम का महामिलन है और आप सब भी यहाँ पर आए हुए हैं, इससे बड़ा कोई पल नहीं हो सकता कि एक छत के नीचे श्री राम के लिए। पूरा मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आज हम सारे लोग आए हैं और एक साथ रामलला के दर्शन करेंगे, क्योंकि एक ऐसा ये उपलब्धि है जिसको अकेले दर्शन करने से वो मैसेज, वो आनंद नहीं मिल सकता था जो सामूहिक रूप से पूरे मंत्रिमंडल के साथ, इसका मतलब पूरे मध्य प्रदेश का हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। धर्मशाला को लेकर चर्चा थी कि धर्मशाला यूपी की धरती पर खोला जाएगा एमपी सरकार की तरफ से, आप क्या कहेंगे इस पर? ये हमारे मुख्यमंत्री जी के मन में इस प्रकार का एक शुभ विचार ये जरूर है कि यूपी सरकार से बात करके कोई ज़मीन का टुकड़ा ऐसा लेंगे जहां पर मध्य प्रदेश के नाम से एक धर्मशाला बने और मध्य प्रदेश के जो भी श्रद्धालु यहां पर आएं उनको वहां पर रुकने की, ठहरने की और भंडारा की व्यवस्था रहे, इस प्रकार से उनके विचार मन में है तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा। बुलडोजर मॉडल पर क्या कहेंगे? बुलडोजर मॉडल कहाँ का? बहुत अच्छा है जी, धन्य होगा यहाँ आकर। जय श्री राम। सौभाग्यशाली हम लोग कि मोदी जी के युग में भगवान राम को दर्शन कर रहे हैं यहाँ उनके भवन। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, हम धन्य हैं।
और मोहन कैबिनेट के बड़े फैसले आपको बताते हैं। हर जिले में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनेंगे, मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड होंगे जिला अस्पताल, एक होंगे धर्मस्व राजस्व संस्कृति विभाग। अयोध्या धाम में धर्मशाला बनाएगी सरकार, देवी देवताओं के वस्त्र आभूषण को प्रोत्साहन दिया जाएगा, कुटीर उद्योग के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये बड़े फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ये बड़े फैसले मोहन कैबिनेट के, ये बड़े फैसले आपको बता रहे हैं। मोहन कैबिनेट ने ये बड़े फैसले लिए हैं, देवी देवताओं के वस्त्र आभूषण को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसी के साथ ही कई और बड़े फैसले कैबिनेट में लिए गए हैं। कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें बड़े फैसले, हर जिले में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बन सकेगा। कांग्रेस खेमे से जुड़ी यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, 7 मार्च को आ सकती है कांग्रेस की पहली लिस्ट। 7 मार्च को शाम 6 बजे होगी कांग्रेस सीईसी की बैठक, लोकसभा उम्मीदवारों के नाम पर मुहर इसमें संभव है। बैठक के बाद लिस्ट जारी हो सकती है, लिस्ट कांग्रेस जारी कर सकती है, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। तो जल्द लिस्ट कांग्रेस भी जारी करेगी। कांग्रेस में भी लगभग जो खींचतान चली, मंथन हुआ और कड़े मंथन के बाद लगभग नाम सारे अब तय हो चुके हैं, बस नाम सामने आना बाकी है। एक बार फिर जो है बैठक होगी और बैठक में मुहर लगेगी, ऐसा कहा जा रहा है कि 7 मार्च को कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर देगी। मध्य प्रदेश में कौन से उम्मीदवार होंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के, इस पर लगातार मंथन कांग्रेस कर रही थी और अब ऐसा माना जा रहा है कि नाम लगभग तय हो चुके हैं और 7 मार्च को ये कांग्रेस की पहली सूची सामने आ जाएगी। न्यूज 18 के पास कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट भी है। आपको बता दें कि एमपी से कांग्रेस संभावित आखिर उम्मीदवार कौन कौन होंगे, दमोह का जिक्र करें। दमोह लोकसभा का तो संभावित उम्मीदवार जो है डॉक्टर जया ठाकुर हैं, पूर्व प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं। बैतूल का जिक्र करें तो हरदा हरसूद लोकसभा संभावित उम्मीदवार रामू टेकाम, चूंकि पूर्व लोकसभा चुनाव प्रत्याशी भी रह चुके हैं। सागर लोकसभा का जिक्र करें तो संभावित उम्मीदवार यहां पर भूपेंद्र सिंह हो सकते हैं। छिंदवाड़ा हॉट सीट जिस पर जद्दोजहद लगातार जारी है, चूंकि एक ही सीट है कांग्रेस के पास और उसे भी हथियाने में जीतने में बीजेपी लगातार जुटी हुई है, उसका हम जिक्र करें तो यहां पर संभावित उम्मीदवार नकुल नाथ होंगे। सीधी का जिक्र करें, संभावित उम्मीदवार कमलेश्वर पटेल होंगे। नर्मदापुरम का जिक्र करें, नर्मदापुरम नरसिंहपुर लोकसभा का तो संभावित उम्मीदवार यहां पर संजय शर्मा हो सकते हैं। शहडोल है, यहां पर फुंदे लाल सिंह मार्को उम्मीदवार हो सकते हैं। मंडला लोकसभा का जिक्र किया जा रहा है तो नारायण सिंह पट्टा हैं। बालाघाट लोकसभा का जिक्र करें तो हिना कावरे हैं। ये वो बड़े नाम हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये यहाँ जो जगह का हम जिक्र करें वहां वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। विदिशा रायसेन का जिक्र करें तो यहाँ पर अनुमा आचार्य रिटायर विंग कमांडर ये हैं। दतिया भिंड का जिक्र किया जाए, यहाँ के लोकसभा संभावित उम्मीदवार फूल सिंह बरिया हो सकते हैं। झाबुआ रतलाम लोकसभा पर कांतिलाल भूरिया हो सकते हैं, चूंकि पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। देवास शाजापुर का जिक्र किया जाए तो सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, ये हो सकते हैं मैदान में। राजगढ़ लोकसभा से चंदर सिंह सोंधिया ये मैदान में उतर सकते हैं। खंडवा लोकसभा की बात हम करें, अरुण यादव हैं, इनका नाम आगे चल रहा है, हो सकता है इस पर ही मुहर लगे। ये संभावित लिस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस की। उज्जैन लोकसभा का जिक्र करें तो महेश परमार हैं, ग्वालियर लोकसभा का तो प्रवीण पाठक हैं, गुना लोकसभा का वीरेंद्र रघुवंशी हैं। तो ये बड़े नाम आपको हमने बताए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की सूची पर सियासी रार छिड़ गया है। कांग्रेस संसद में पास हुए नारी शक्ति वंदन बिल के बहाने बीजेपी को आड़े हाथों ले रखी है, जिसमें संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण का प्रावधान है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि बीजेपी को एमपी में बाकी बची सभी सीटों पर महिलाओं को टिकट देना चाहिए, तो बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद माया नारोलिया ने कहा कि पार्टी ने 4 महिलाओं को टिकट दिया, बाकी बची सीटों में लगभग 2 महिलाओं को टिकट मिल सकता है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शिवपुरी पहुंची और इसी दौरान राहुल गांधी का रोड शो हुआ और इसके बाद शहर के माधव चौक चौराहों पर उन्होंने कार पर ही बैठकर आम सभा को संबोधित किया। अपनी सभा के दौरान राहुल गांधी ने बीजेपी के नीतियों को निशाना बनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का बजट बंद कर दिया और ये बजट देश के 15-20 बड़े उद्योगपतियों को दे दिया। शिवपुरी में राहुल गांधी का रोड शो सुबह 9 बजे से होना था। रोड शो के लिए उन्हें ग्वालियर से हेलीकॉप्टर से शिवपुरी आना था, लेकिन ग्वालियर से हेलीकॉप्टर उड़ने की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी। इसके बाद राहुल गांधी ग्वालियर से शिवपुरी बाय रोड आए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताने के बयान पर सियासत अब शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि कम से कम जयराम रमेश ने माना कि कांग्रेस में दागदार नेता है। जब पार्टी में देश विरोधी बातें होंगी तो रामलला का अपमान होगा, तो ऐसे लोग निश्चित तौर पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि जयराम रमेश जी ने जो कहा वो गलत नहीं है। जयराम रमेश ने सबसे पहले तो ये स्वीकारा कि कांग्रेस में रहने वाले अधिकतर लोग दागदार हैं, पर उनको ये भी स्वीकारना चाहिए कि जब उनकी पार्टी राष्ट्र हित में काम नहीं करेगी, जब सनातन के विरोध में काम करेगी, तो एक नहीं ऐसे अनेकों नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। मोदी जी की नीति और नेतृत्व से प्रभावित होकर लोग भाजपा में आ रहे हैं। खंडवा में नगर निगम का घेराव किया गया। नगर निगम में भ्रष्टाचार और विकास कार्य में भेदभाव के आरोप लगाते नेता प्रतिपक्ष दीपक मुल्लू राठौड़ और विपक्ष के पार्षदों ने बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं के साथ प्रदर्शन किया। निगम में सम्मेलन का आयोजन नहीं होने पर भी आक्रोश जाहिर किया। हरदा के सरकारी विवेकानंद कॉलेज की प्राचार्य संगीता बिले को हटाने की मांग को लेकर एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के दोनों गेट पर ताला लगाकर गेट के सामने धरना दिया। एबीवीपी ने प्राचार्य संगीता बिले पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हमारी मुख्य मांगे, सबसे बड़ी मुख्य मांगे हमारी, जो कॉलेज को एक संचालित एक शिफ्ट में संचालित हो। दूसरी सबसे बड़ी मांग हमारी, ड्रेस कोड लागू हो। तीसरी सबसे बड़ी मांग, कॉलेज में भ्रष्टाचार बंद हो, प्रचार हटाओ। हमारा जो आंदोलन चल रहा है उसमें प्रचार को निलंबित तुरंत आदेश पे। और अब बात करेंगे कटनी की, जहां जिला अस्पताल में पार्षद ने अपने साथियों के साथ मिलकर हंगामा किया, जिसका वीडियो भी सामने आया है। बीजेपी पार्षद बबलू सोनी पर तुलसी सोनी ने मारपीट के आरोप लगाए। आरोप है कि बबलू सोनी ने गाड़ी निकालने को लेकर विवाद किया। और अब तस्वीरें आपको जबलपुर के दिखाते हैं, जहां पर चाकूबाजी हुई है। चाट दुकानदार के पैसे मांगने पर यह हमला हुआ। पैसे मांगने पर ग्राहक अब गुस्सा उठा और चाकू से हमला कर दिया। दुकानदार ने आरोपी की आंख में, माफ कीजिएगा, पैसे मांगने पर ग्राहक ने चाकू से हमला किया। दुकानदार ने आरोपी की आंख में मिर्ची झोंक दी। पुलिस ने आरोपी ग्राहक को भी गिरफ्तार कर लिया है। सदर चौपाटी की यह पूरी घटना बताई जा रही है। कैंट थाना क्षेत्र का बदमाश है ये आरोपी। एमपी में आज 3 रिश्वतखोरों पर कार्रवाई की गई है। बालाघाट में रिश्वतखोर ग्राम रोजगार सहायक को 10,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, जो पीएम आवास की दूसरी किस्त की एवज में रिश्वत ले रहा था। तो विदिशा में मत्स्य विभाग के दफ्तर में लोकायुक्त ने छापा मारा। सहायक संचालक एस के दुबे को 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। तो वहीं दमोह का जिक्र करें तो यहां पर रिश्वतखोर डिप्टी इंजीनियर गिरफ्तार हुआ, जो 25,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ। डिप्टी इंजीनियर ने 90,000 की रिश्वत मांगी थी। ये 3 तस्वीरें, 3 जगह पर बड़ी कार्रवाई। इंदौर में निर्माणाधीन मकान की छत गिर गई, जिसके मलबे में दबके 3 मजदूर दब गए। हालांकि पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और मौजूद लोगों ने मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तीनों घायलों का इलाज जारी है, अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के उषा नगर का है। वो वाला क्रेन चाहिए रहेगा। कितने में? आ गया फायर ब्रिगेड आ गया। खबर जबलपुर से है, जहां चींटियों ने एक मजदूर को इतना परेशान किया कि मजदूर ने खुद ही अपना मकान तोड़ दिया। मजदूर और उसका परिवार 3 सालों से चींटियों के आतंक से परेशान है। इतने दिनों में घर में चींटियों ने परिवार का जीना मुश्किल किया। परेशान गरीब मजदूर सुखचैन बर्मन ने अपना घर तोड़ दिया और परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। शेहपुरा तहसील के ग्राम पंचायत खैरी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
छतरपुर के खजुराहो में देसी दुल्हन ने विदेशी दुल्हे से शादी कर ली। दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। दरअसल खजुराहो के सुधीर शर्मा की बेटी सरिता शर्मा ने इटली निवासी गोइदो से भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी की और इस शादी में बकायदा इटली से बाराती भी शामिल हुए थे। शादी में मंडप, मायना और टीका इत्यादि सहित सभी मांगलिक संस्कार 3 दिन तक चलेंगे। पंडित सुधीर शर्मा ने बताया कि अब उनके दामाद ने अपना नाम बदलकर पंडित गोविंद शर्मा कर दिया। ब्राजील की बाइकर्स एलिस आंद्रे इन दिनों भारत में एमपी के पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने आई हैं। ब्राजील की एलिस जहां भी जाती हैं नमस्ते कहकर अभिवादन करती हैं। सोमवार को क्वींस ऑन द व्हील्स की महिला बाइकर्स की टीम ग्वालियर पहुंची। भोपाल से निकली बाइकर्स टीम ने अब तक सांची, चंदेरी, शिवपुरी, कूनो का सफर तय किया है। और आइए अब देखेंगे टॉप 20। अयोध्या में मोहन कैबिनेट ने किए रामलला के दर्शन। परिवार संग अयोध्या पहुंची, पूरी कैबिनेट मंदिर में किए दर्शन। अयोध्या में सीएम यादव ने किए रामलला के दर्शन, मंदिर में मौजूद पंडित ने